नमस्कार, स्वागत है आपका किट्टू टिफ़िन में। आज हम बनाएंगे चिकन करी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें एक मिक्सी के जार में कुछ अदरक के टुकड़े, लाल मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां डाल के थोड़े से पानी के साथ एक बारीक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। ये बारीक पेस्ट बन के तैयार है, इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम एक ड्राई रोस्ट मसाला पाउडर बनाएंगे, जिसमें कुछ सूखे मसाले हम एक पैन में डाल देते हैं और इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडा करके मिक्सी में डाल के एक फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। मसालों की मात्रा के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां चेक कर सकते हैं। हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है इसको, ज़्यादा जलाना नहीं है मसाले को। जैसे ही कलर चेंज होने लगे इसको ठंडा करके एक मिक्सी जार में निकाल के एक बारीक पाउडर का बना के तैयार करना है। कुछ इस तरीके से इस मसाले को हम एक तरफ रख देंगे। उसी फ्राई पैन में हमने लिया है सरसों का तेल, जिसमें हम अपने सारे चिकन के पीसेस को डाल के 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट एक तरफ फ्राई करने के बाद हम चिकन के पीसेस को पलट देंगे। 8 से 10 मिनट में एक बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा चिकन के पीस पे। ये धीरे धीरे करछी के सहायता से 5 मिनट के बाद सारे चिकन के पीस को पलट देंगे हम। जैसे ही 8 से 10 मिनट होगा हम इस फ्राई पैन को गैस से उतार के अलग रख लेंगे साइड में। कितना अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है चिकन पे 8 से 10 मिनट के बाद, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और हम एक मिट्टी का बर्तन लेंगे और इस मिट्टी के बर्तन में हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे जीरा और तेज़पत्ता। जीरा और तेज़पत्ता को थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज का टुकड़ा डाल देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा प्याज में, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपना अदरक और लहसुन और लाल मिर्च से बना हुआ पेस्ट। ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इस पेस्ट को अच्छे से पकाएंगे। जब इसमें से तेल बाहर आने लगेगा और ये मसाला सरफेस छोड़ने लगेगा, इसको पकने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। इसको अच्छे से पका लें। मसाला धीरे धीरे अब तेल अलग होने लगा है मसाले से और मसाला सरफेस भी छोड़ने लगा है। इस समय हम डालेंगे इसमें टमाटर का पेस्ट। इसको अच्छे से पकाएंगे। टमाटर का पेस्ट पकने में 3 से 4 मिनट का समय लेगा। इसको अच्छे से चलाते हुए भून लें। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लगातार चलाते रहें, नहीं मिट्टी का बर्तन है, मसाला तली में जल जाएगा। ये स्वाद के अनुसार नमक मिला देते हैं और इसको अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन मिला देते हैं। चिकन को मसाले के साथ 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला डालेंगे 2 से 3 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसको और 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे बढ़िया से। चिकन हमारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें हम ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाले का पाउडर मिला देंगे और इस मसाले को 2 मिनट तक भूनेंगे चिकन के साथ अच्छे से। चलाते रहें, इसमें पानी है नहीं, मसाला मिट्टी के बर्तन में जल जाएगा, पकड़ लेगा। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद इसमें गर्म पानी डाल देंगे करी बनाने के लिए। गर्म पानी में एक बॉयल आ जाने के बाद ढक्कन लगा के चिकन को 15 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए।
बहुत ही अच्छा कलर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये चिकन झारखंड में बनाया जाता है और झारखंड की बहुत ही लोकप्रिय डिश है ये। एक बार ज़रूर बनाएं और ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिख के। एक बॉयल आ गया है करी में, अब इसको ढक्कन लगा के हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट बीत चुके हैं, करी हमारी बन के तैयार है। इस चिकन में हम बारीक कटा हुआ धनिया मिला देते हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। इसे एक बार ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।